रेवड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप समाज को पढ़ाएंगे नहीं, शिक्षित नहीं बनाएंगे, उसको रोजगार नहीं देंगे, मॉडल है अस्पताल सुधारना नहीं है, अस्पताल का औचक निरीक्षण करना है। 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति देने से प्रति परिवार अगर ये दे पाए तो बहुत अच्छी बात है, न इनको देना है न कुछ करना है। ये चुनाव अभी साथ सामने है तो अपना एक लॉलीपॉप बांटने का तरीका है। दूसरी बात जो आपने कही घोषणा हुई है कुछ पैसे ट्रांसफर करने की, तो पैसा ट्रांसफर करना चाहिए, अगर सरकार के पास साधन है तो करना चाहिए। लेकिन बिहार में 3 करोड़ 3.25 करोड़ परिवार रहते हैं और आर्थिक सामाजिक नजरिए से बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। यहां पर 80% लोग, 100 में 80 आदमी आज भी दिन का 100 रुपया नहीं कमाता है। ये आंकड़ा याद रखिए, बिहार में प्रति व्यक्ति आए है 34-35 हजार रुपया, देश में प्रति व्यक्ति आए है 1,35,000 रुपया। तो अगर आप कह रहे हैं कि उसमें से जो सबसे गरीब है उसको हम मदद कर रहे हैं तो कीजिए मदद, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सरकार के पास अगर साधन है और ईमानदारी से अगर उन लोगों की कुछ मदद होती है तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरह के रेवड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप समाज को पढ़ाएंगे नहीं, शिक्षित नहीं बनाएंगे, उसको रोजगार नहीं देंगे, तो ये राजा प्रजा वाली जो व्यवस्था है कि हम आपको, जब आप मजबूत गरीबी में पड़िएगा, जब परेशानी में पड़िएगा तो आइएगा तो हम आपको कुछ मदद कर देंगे, तो राजद वगैरह के नेताओं का, दलों का यही मॉडल है। अस्पताल सुधारना नहीं है, अस्पताल का औचक निरीक्षण करना है। अरे भाई, अस्पताल सुधारोगे, उसके लिए कोई व्यवस्था बनाओगे, तब तो निरीक्षण होना चाहिए। लेकिन इनको तो न्यूज बनाना है, राजनीति करनी है। 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति देने से प्रति परिवार अगर ये दे पाए तो बहुत अच्छी बात है, न इनको देना है न कुछ करना है। ये चुनाव अभी साथ सामने है तो अपना एक लॉलीपॉप बांटने का तरीका है। अभी तक कह रहे थे कि आरक्षण देके सुधार देंगे, अब 2 लाख रुपया देके सुधार देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर 2 लाख रुपये को 3 किस्त में देने की बात है तो 65,000 रुपया हुआ महीने का, 5,000 रुपया हुआ। 5,000 रुपया मिलने से किस परिवार का गरीबी दूर हो जाएगी, जरा बताइए तो हमको। आज से 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक योजना जारी की थी जिसमें कहा था कि हर परिवार को 6,000 रुपया महीने का मिलेगा। कोई वोट मिला उससे? एक भी वोट मिला कांग्रेस को उससे? जनता इतना बेवकूफ है? 2 लाख रुपया अगर आप प्रति परिवार देते हैं तो प्रति परिवार वो 5,000 रुपये महीना, अगर आप 3 किस्त में देंगे तो, और परिवार का साइज है 5-6 लोगों का, तो हर व्यक्ति पर कितना हुआ? हर व्यक्ति पर 1,000 रुपया हुआ। वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं 400 रुपया है, और आप प्रति परिवार 1,000 रुपया देने लगेगा, तो झूठ मूठ का लॉलीपॉप पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है।